हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं तथा निरंतर वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। द एडमिनिस्ट्रेटर अकेडमी द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश में क्लासरूम प्रोग्राम संचालित है। आप UPSC, MBPSC, MPSI, कांस्टेबल तथा व्यापम की तैयारी हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं तथा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, नोट्स की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एडमिनिस्ट्रेटर अकेडमी। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आदित्य और आज देखेंगे हम 12 सितंबर का करेंट अफेयर। दोस्तों, MBSI की जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताई थी, हमारी टेस्ट सीरीज जो है हमारी वेबसाइट पर आरंभ हो चुकी है और आप जाकर इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। मैं इसका भी एक वीडियो यहाँ पर डालने वाला हूँ जिसमें आपको पूरी प्रक्रिया मैं दर्शाऊंगा कि कैसे आप रजिस्टर इसको कर सकते हैं और कैसे यह टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर MBSI की जो टेस्ट सीरीज है उसको आप क्लिक कीजिए। वहां पर आपको पूरी डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी। इन डिटेल्स को देखने के बाद आप जो है रजिस्टर कीजिए और रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे और आपका डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा सामने, आपके डैशबोर्ड में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आप इस टेस्ट सीरीज को कर पाएंगे। हमने 15 टेस्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है इसको आपके लिए उपलब्ध कराया है, जिसमें वर्तमान से संबंधित क्वेश्चन, वर्तमान पैटर्न पर आधारित जो भी टेस्ट हैं वो आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करेंट अफेयर्स की। वह असम संशोधन विधेयक जो कानून नियोक्ताओं को बिना अनुमति 300 कर्मचारी हटाने का अधिकार प्रदान करता है, वह असम संशोधन विधेयक। असम में एक नया कानून लाया गया है जो 300 कर्मचारी हटाने का अधिकार औद्योगिक जो संस्थान है उन्हें प्रदान करता है। इस अधिनियम का नाम है औद्योगिक विवाद असम संशोधन विधेयक 2017। दोस्तों, 11 सितंबर 2017 को असम विधानसभा ने कर्मचारियों के बंद होने के संबंध में औद्योगिक विवाद असम संशोधन विधेयक 2017 को पारित किया है। यह विधेयक कानून योग्यताओं को सरकार से पूर्व अनुमति के बिना 300 कर्मचारियों को निकालने के अधिकार प्रदान करता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि संशोधन से पूर्व विधेयक कानून जो नियोक्ता होते थे उनको 100 कर्मचारी हटाने का अधिकार प्रदान करता था। तो दोस्तों, इससे पूर्व की स्थिति यह थी कि जो आपको अगर सरल शब्दों में मैं यहाँ पर समझाऊं तो जो औद्योगिक घराने होते हैं या उद्योग होते हैं, ये उद्योग अपने यहाँ पर जितने भी लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, रोजगार देते हैं, इनमें से पहले 100 को बिना सरकारी परमिशन के अनुमति के हटा सकते थे, लेकिन अब ये 300 लोगों को हटा सकते हैं। अर्थात उद्योगों को और अधिक यहाँ पर सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की गई है। दोस्तों, अगला करंट अफेयर देखते हैं। 10 सितंबर 2017 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों, यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। यह टैंक को जो युद्धक टैंक होते हैं उन्हें नष्ट करने में सहायता करती है। DRDO देश में दोस्तों रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान है। यह ऐसा संस्थान है जिसके द्वारा सेना के लिए आधुनिक हथियारों का निर्माण किया जाता है और वर्तमान समय में बहुत अच्छे अच्छे हथियार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सेना के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इसीलिए इसे भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा गया है, जो कि नाग है। 10 सितंबर 2017 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO राजस्थान में सफलतापूर्वक तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया। हमें ध्यान देना चाहिए कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी तकनीक के माध्यम से नाग मिसाइल का विकसित किया है। इसे स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, यह बहुत अच्छी बात है। इस कार्यक्रम के तहत
विकसित अन्य चार मिसाइलों में अग्नि, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी महत्वपूर्ण मुख्य रूप से शामिल है। नाग मिसाइल के हेलीकॉप्टर संस्करण को दोस्तों हेलेना कहा जाता है, जिसके द्वारा हेलीकॉप्टर से भी टैंकों को नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों आपको महत्वपूर्ण सूचना दे दूं मैं कि यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए हमारे जो बैचेस हैं वो भोपाल मध्य प्रदेश में हमारी क्लासेस हैं वहां पर संचालित हैं, जिनमें हम आपका इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स तीनों स्तर पर आपकी तैयारी कराते हैं। आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे रिसेंट बैचेस स्टार्ट हुए हैं, आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वह पश्चिम एशियाई देश जहां सहारा वन परियोजना का शुभारंभ किया गया है, दोस्तों इस देश का नाम है जॉर्डन। जॉर्डन द्वारा जो है सहारा वन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। देखते हैं यह परियोजना क्या है। 10 सितंबर 2017 को जॉर्डन में दक्षिणी बंदरगाह शहर, जॉर्डन का जो दक्षिणी बंदरगाह है उसके शहर अकाबा के पास सहारा वन परियोजना का शुभारंभ किया गया। यह परियोजना सूर्य के प्रकाश और समुद्री जल का उपयोग कर रेगिस्तानी भूमि को कृषि भूमि में तब्दील करने की एक परियोजना है। दोस्तों जॉर्डन जो क्षेत्र है, अगर आप अपने मैप में देखें, मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप दो वर्ल्ड का एक फिजिकल मैप और वर्ल्ड का एक पॉलिटिकल मैप, चाहे हिंदी से आप पढ़ते हैं तो हिंदी में, अंग्रेजी से आप पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में, ऐसे ही भारत का भी एक फिजिकल मैप और भारत का एक पॉलिटिकल मैप हमेशा अपनी स्टडी रूम में लगा कर रखें। और जब भी आप इस न्यूज़ को सुन रहे हों, हमारे YouTube चैनल को देख रहे हों, या आप खुद पढ़ाई कर रहे हों, उन शहरों को देखते जाइए जिनकी बात की जा रही है। तो दोस्तों जॉर्डन जो है, जॉर्डन के आसपास के इलाके जो हैं यह रेगिस्तानी हैं या मरुभूमि इलाके हैं। यहाँ पर उत्पादन जो है, खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत कम होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके तथा समुद्री जल का प्रयोग करके रेगिस्तानी भूमि को यहाँ पर कृषि भूमि में तब्दील किया जा रहा है। और यह परियोजना नॉर्वे और यूरोपियन संघ, नॉर्वे और यूरोपियन संघ द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। इनके द्वारा इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस इन देशों के द्वारा दिया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में भोजन नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर निर्जन रेगिस्तान में वनस्पति क्षेत्रों को विकसित करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह योजना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनाइटेड स्टेट ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2017 के विजेता हैं, दोस्तों यह है राफेल नडाल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया है, यूपीएससी के भी कई एग्जाम्स में बार बार यह पूछा गया है, साथ ही हमारे व्यापम के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूएस ओपन जो है यह चार ग्रैंड स्लैम्स में से एक है, प्रमुख है, और इसके बारे में, इसके विजेता के बारे में प्रत्येक वर्ष करेंट अफेयर में पूछा जाता है। यूनाइटेड स्टेट ओपन टेनिस चैंपियनशिप दुनिया की सबसे पुरानी टेनिस चैंपियनशिप में से एक है और इसका यह आधुनिक संस्करण जो है वर्तमान में हमें दिखाई देता है। यूएस नेशनल चैंपियनशिप में पहली बार एक पुरुष एकल प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 1881 में किया गया था। 1881 में पहली बार यह आयोजन किया गया था। इनके बैकग्राउंड से भी आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है स्पोर्ट्स के। 10 सितंबर 2017 को राफेल नडाल ने न्यूयॉर्क में आयोजित यूनाइटेड स्टेट ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2017 का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह खबर है। यूएस ओपन के विजेता हैं राफेल नडाल। यह राफेल नडाल का तीसरा यूएस ओपन और 16वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। हमें ध्यान देना चाहिए कि यूएस ओपन, ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन के बाद चौथा अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड स्लैम खिताब है। अगली खबर को देखते हैं दोस्तों। अगली यह खबर है, वह परियोजना जिसके अंतर्गत भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी स्वदेश निर्मित जहाज में विश्व भ्रमण करेंगी। दोस्तों वह परियोजना जिसके अंतर्गत भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी स्वदेश निर्मित जहाज में विश्व भ्रमण करेंगी, इस परियोजना का नाम है नाविक सागर परिक्रमा। नाविक सागर परिक्रमा 11 सितंबर 2017 को गोवा में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, वर्तमान में रक्षा मंत्री जो देश की हैं वह है निर्मला सीतारमण, पहले यह वाणिज्य मंत्री थी, अब यह रक्षा मंत्री
नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ नियुक्त कर दी गई है। सीतारमन ने भारत की प्रथम महिला चालक दल के प्रवासीकरण अभियान नाविक सागर परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई है। इस चालक दल का संचालन भारतीय नौसेना के अंतर्गत नौकायन तरिनी अर्थात INSV तरिनी पर किया जाएगा। यह दल लगभग 165 दिनों की अपनी यात्रा कर अप्रैल 2018 में पुनः गोवा लौटेगा। तो दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण खबर है, देश में महिला शक्ति को जो है सशक्त बनाने में यह महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों हमारी वेबसाइट को आप विजिट कीजिए टेस्ट सीरीज के लिए, साथ ही आप हमारे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको इस दौरान कोई समस्या आती है तो, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।